सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय के राजन सीरीज को हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हमने राजन सीरीज में बहुविकल्पी प्रश्नों में एक पार्ट देख लिया था। पहले पार्ट में दोस्तों हमने 24 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब इसके आगे हम लोग इस वीडियो में 25 नंबर क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले की वीडियोस जो दोस्तों मैंने गणित की क्लासेस ली हैं, जिसमें मैंने आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया है और चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, अगर वह सभी वीडियोस नहीं देखी हैं आपने, राजन सीरीज की पहली वीडियो नहीं देखी है, तो सभी वीडियोस दोस्तों आपको गणित के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। गणित के प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो गणित का प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा। उसमें आपको पहले क्लासेस की वीडियोस, फिर राजन सीरीज की वीडियोस और इसके बाद की जो वीडियोस आने वाली हैं, वह सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, 24 तथा 36 का मासापा क्या होगा, मतलब कि 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक आपसे पूछ रहा है, यानी कि HCF पूछ रहा है। इन दोनों का 24 और 36 का फैक्टर क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो यह दोस्तों आप मासा दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो आप भाग विधि से निकाल सकते हैं और दूसरा आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं बारी बारी से आपको दोनों विधि एक बार करके दिखा दे रहा हूं, ताकि आपको आगे किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए। देखिए दोस्तों, भाग विधि से सबसे पहले हम लोग करते हैं। भाग विधि में आपको सबसे पहले ध्यान देना है, आपको भाग विधि में जो पहला स्टेप लेना होता है, इसमें आपको देखना होता है कि संख्याएं कौन कौन सी दी हैं जिसका मासापा आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी संख्याएं दी हुई हैं, यहाँ पे 24 और 36 दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले 24 और 36 इस प्रकार लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। तो आप 24 से दोस्तों 36 में भाग दे दीजिए। अब 24 से जब आप 36 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा। अब 24 यहां लिख लेंगे आप और यहां पे बच जाएगा 12। अब देखिए यहां पे 12 बच गया, अब कुछ नहीं बचा होता तो 24 जो हो जाता वह मासा आ जाता, लेकिन यहां पे शेषफल बच रहा है। तो इसी शेषफल से इससे पहले जिस संख्या से आपने भाग दिया था उस संख्या में भाग दे दीजिए, यहाँ पे जो आपको शेषफल प्राप्त हुआ है। तो आप 12 से 24 में भाग देंगे, तो 12 से आप 24 में भाग देंगे तो दो बार में पूरा कट जाएगा। तो अब जहां पे ये कैंसल होता है दोस्तों, वहां पे जो आपका भाजक है जिससे आपने भाग दिया है वही आपका मासा हो जाता है। तो यहाँ पे महत्तम समापवर्तक जो हो जाएगा दोस्तों वह 12 आ जाएगा, HCF जो आ जाएगा वह 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ गए होंगे कि छोटी संख्या से दोस्तों भाग देना हम स्टार्ट करते हैं। अगर संख्या पूरी पूरी कट जा रही है तो जहां पे कट रही है वही हमारा मासा हो जाता है, अगर नहीं कट रही है तो जो शेषफल आता है उससे हम लोग उससे पहले का जो भाजक होता है उसमें भाग देते हैं। और यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों एक संख्या और होती 48 होती, तो फिर 12 जब हम लोग को यहाँ पे 24 और 36 का मासा यहाँ पे हमें 12 मिल गया, तो फिर हम लोग इसी 12 से चेक करते कि 48 में 12 से भाग जा रहा है कि नहीं। अगर 48 12 से पूरे पूरे कट जाता तो 12 जो होता वह 48 का भी मासा हो जाता। तो 12 क्या हो जाता, 24 36 48 तीनों का मासा हो जाता। तो इस प्रकार 3 4 इस प्रकार आप सभी संख्याओं का मासा निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका भाग विधि दोस्तों। और इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं गुणनखंड विधि। दोस्तों गुणनखंड विधि हम लोग देख लेते हैं। गुणनखंड विधि में हमें क्या करना है, जो संख्याएं दी हुई है हमें इन संख्याओं का हमें गुणनखंड लिख लेना है, मतलब इन संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में तोड़ लेना है। तो 24 को दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 दुनी 4 होता है और 4
दुनी 8 होता है और 8 त्रिक 24 होता है, तो इस प्रकार आप 24 का गुणनखंड लिख सकते हैं, 2 दुनी 4 दुनी 8 त्रिक 24। और इसी प्रकार दोस्तों आप 36 का लिखने जाएंगे तो 36 का लिख सकते हैं, 2 दुनी 4 और 4 त्रिक होता है 12, 12 त्रिक कितना होता है 36। अब यहां पे आपको मासा लिखना है दोस्तों, तो मासा लिखते समय मासा में हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, मासा में दोनों में कॉमन क्या है और जो चीज हमें कॉमन मिल रही है उसकी सबसे छोटी घात क्या है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों दो दोनों जगह मिल रहा है 24 और 36 में, और 2 24 में कितनी बार आया है, 3 बार आया है, और 2 36 में कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो हम लोग केवल 2 बार लिखेंगे, हमें छोटी घात लिखनी होती है तो इसलिए हम लोग मासा में केवल 2 बार लिखेंगे, तो 2 × 2 यहां लिख लेंगे। अब यहां पे देखिए 24 में क्या आ रही है संख्या, 3 आ रही है, और 3 देखिए 36 में 2 बार आ रही है, तो जो कम बार वाला है उसी को हमें लिखना है, कम घात वाला, तो 3 1 बार और लिख लेंगे। अब देखिए कोई ऐसी संख्या और नहीं बची है जो आ रही हो, जिसे हमने ना लिखा हो, जो दोनों में आ रही हो, तो यहाँ पे अब इसका गुणा कर लीजिए, यही आपका मासा हो जाएगा। तो 2 दुनी 4 और 4 त्रिक 12, तो यहां से भी आपको मासा देखिए 12 मिल गया। दोनों विधि से दोस्तों आप किसी भी विधि से सॉल्व कर लीजिए, आपको जो मासा है वह 12 मिल जाएगा। दोनों विधि मैंने आपको करके दिखा दिया, जो भी आपको आसान लगता है दोस्तों उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो मैं आपको जल्दी से करके किसी एक मेथड से बता दूंगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, व्यंजक x³ + 1 और x²-1 का मासा है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको 2 व्यंजक दिए हुए हैं, इनका मासा ज्ञात करना है, तो जैसे आपने अभी गुणनखंड विधि देखा यहाँ पे वैसे ही आपको सूत्र याद होगा दोस्तों, सूत्र आप लिख सकते होंगे, तो सूत्र के रूप में सबसे पहले जो चीजें आपको पता है वो है लिख लेना चाहिए, तो आप सूत्र के रूप में इसे पहले लिख लीजिए। तो देखिए आपको किन व्यंजकों का मासा निकालना है, x³ + 1 और x²-1, यही तो है, देख लीजिए आप एक बार चेक कर लीजिए, इसी का हमें मासा निकालना है, x³ + 1 और x²-1। आपने कभी ना कभी a³ + b³ का फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, तो a³ और + b³ का फॉर्मूला जो होता है वह होता है a+b, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a²-ab+b²। अब इसी फॉर्मूले का यूज दोस्तों हमें यहाँ पे करना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए x³ + 1 लिखा हुआ है, तो इस प्लस वन को दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 ही आता है, तो अब देखिए आपको इसी रूप में दिख रहा होगा a³ + b³। अब आपको a³ + b के क्यूब के रूप में यहाँ पे आप इसे देख पा रहे होंगे, a³ की जगह बस x³ लिखा हुआ है और धन b³ की जगह 1 का क्यूब लिखा हुआ है, तो जहां पे आपको इस फॉर्मूले में a दिख रहा है वहां पे आपको x रखना है, और जहां पे b दिख रहा है वहां पे आपको 1 रखना है, तो आप अब इसे कितना लिख सकते हैं, x³ + 1³ को आप कितना लिख सकते हैं, a की जगह आपको लिखना है x को, और b की जगह आपको लिखना है 1 को, तो इसे आप लिख सकते हैं x+1। और देखिए यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है, तो यहाँ कितना हो जाएगा x²। अब माइनस ए बी है, तो ए की जगह x और बी की जगह 1 हो जाएगा, तो x·1 कितना आ जाएगा x, फिर प्लस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो ये इतना आ गया। और x²-1 इसको आप क्या लिख सकते हैं, x²-1 का स्क्वायर। अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, a² - b² का, तो ये हो जाता है a+b एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है a-b, तो इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा x+1 × x-1। अब दोस्तों आपको दिख पा रहा होगा जैसे आप गुणनखंड विधि में लिखते हैं उसी प्रकार हमने यहाँ पे लिख लिया, अब आपको कॉमन दिख रहा होगा x+1 दोनों में, तो x+1 दोस्तों क्या हो जाएगा, x+1 जो हो जाएगा वह हमारा मासा हो जाएगा।
एक्स प्लस वन दोनों जगह आ रहा है तो मासा कितना हो जाएगा एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे ऑप्शंस में आप देख लीजिए तो एक्स प्लस वन जो ऑप्शन आ है वह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और पिछले क्वेश्चन में हमने जो उत्तर निकाला था मासा वह 12 निकाला था, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमा फोर एक्स वाई का लघुत्तम समापवर्तक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लासा निकालना है और यहाँ पे भी आपको व्यंजक दिए हुए हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं गुणनखंड विधि से किस प्रकार हम लोग इसका लघुत्तम समापवर्तक लासा निकाल सकते हैं, यानी कि एलसीएम निकाल सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं इसको भी, देखिए दिया हुआ है थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया हुआ है एक, और दूसरा दिया हुआ है हमें फोर एक्स वाई। तो अब दोस्तों इसको गुणनखंड के रूप में हमें लिख लेना है, तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, थ्री इंटू एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, और वाई स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं वाई इंटू वाई, और यहाँ पे देखिए फोर को कितना लिख सकते हैं टू इंटू टू, और फिर इंटू एक्स और इंटू वाई। अब लासा लेना है दोस्तों हमें, मासा में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, मासा में हम लोग देखते हैं जो चीजें दोनों में हो और दोनों में से जिसकी जो छोटी घात होती है जो सबसे कम बार आया होता है उसको हम लोग लिखते हैं। लेकिन लासा में हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीजें होती हैं चाहे वह एक में आ रहा हो या दोनों में आ रहा हो उसकी जो होती है सबसे बड़ी घात लिखी जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, जैसे देखिए पहले में आ रहा है तीन, अब देखिए तीन यहाँ दूसरे में नहीं आ रहा है फिर भी हम तीन को लिखेंगे, तो हमने तीन लिख लिया। अब इसके बाद देखिए दो आ रहा है, यहाँ पे दो आ रहा है, इसमें दो नहीं आ रहा है, और इसमें दो दो बार आ रहा है, तो दोनों बार दो को हम लोग लिख लेंगे। हमें जितनी बार जो आ रहा है जो मैक्सिमम है दोनों में, दोनों में जो सबसे अधिक बार आ रहा है वही लिख लेना है। अब देखिए x को आप देखिए x यहाँ दो बार आ रहा है और x यहाँ एक बार आ रहा है, तो दोनों में जो बड़ी घात है वह दो बार आने की है, तो x को हम लोग दो बार लिख लेंगे, तो x इंटू एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए y जो है दो बार आ रहा है और यहाँ एक ही बार आ रहा है, तो दो बार वाले को हम लोग लिखेंगे क्योंकि हम लोग लासा निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं दोस्तों। तो अब इसे आप लिख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, तीन का गुणा चार में होगा तो ये हो जाएगा बारह, और इंटू एक्स का गुणा एक्स में एक्स स्क्वायर, इंटू वाई का गुणा वाई में यानी कि वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि मासा में दोस्तों जो दोनों चीजों में दोनों जगह आता है उसी को हम लोग लिखते हैं और उसकी छोटी घात को लिखते हैं, लेकिन लासा में हम लोग क्या करते हैं, लासा में हम लोग प्रत्येक चीज को लिखते हैं और प्रत्येक की बड़ी घात को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे तीन आ रहा था लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा था तो हमने तीन को लिखा, और यहाँ पे दो बार एक्स आ रहा था और यहाँ पे एक बार एक्स आ रहा था, तो बड़ी घात क्या है, एक्स की दो बड़ी घात है, तो हमने एक्स को दो बार लिखा। ठीक है, तो आपको यह डिफरेंस याद रखना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालते समय आपको इतना ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आता है 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे किसमें दिया है, ऑप्शन सा में दिया है, तो ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 28 में दोस्तों आप देखते ही बता सकते हैं कि लासा कितना होगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे तीन चीजें दी हुई हैं आपको, तीन व्यंजक दिए हुए हैं। अब इन तीनों व्यंजकों को आप देखेंगे तो यह केवल x और y से बने हुए हैं, तो आपको पता है कि केवल x और y जो है वह लासा में हम लोग लिखेंगे। तो जब x लिखेंगे दोस्तों हम लोग, तो x में आपको देखना है कि तीनों में तो x आ ही रहा है लेकिन x की बड़ी घात कहाँ है, तो दूसरे में देखिए x की बड़ी घात है x के पावर 3, तो आपको वह लिख लेना है। और देखिए y सब में आ रहा है लेकिन सबसे बड़ी घात क्या है, y क्यूब, y क्यूब, तो y क्यूब आपको लिख लेना है यहाँ पे। तो आपका एलसीएम जो हो जाएगा दोस्तों
वह हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे मैंने आपको करके बताया था दोस्तों, आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको देखते ही मुंहजवानी आप लासा बता सकते हैं और मासा भी यहाँ पे आप देखते ही बता सकते हैं। चलिए इसी तरह हम लोग एस सी एफ भी लिख लेते हैं। तो देखिए एस सी एफ लिखने में क्या है, यहाँ पे तीन व्यंजक आपको दिए गए हैं, तीनों व्यंजक केवल एक्स और वाई से मिलकर बने हैं, तो आपको कॉमन क्या मिलेगा। देखिए अगर मासा आप गुणनखंड के रूप में लिखेंगे इनको, तो यहाँ एक्स का तीन बार गुणा हो रहा है, एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स के पावर फोर है। तो आपको देखना है कि एक्स जो है वह सब में आ रहा है कि नहीं, तो एक्स तो सब में आ रहा है, तो एक्स हम लोग कॉमन ले सकते हैं। इतना आपको पता चल गया, तो एक्स आप कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स आप लिख लीजिए। अब एक्स की आपको कौन सी घात लिखनी है, मासा निकाल रहे हैं तो एक्स की आपको सबसे छोटी घात लिखनी है। तो देखिए यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स के पावर फोर है, तो सबसे छोटी घात किस में है, एक्स स्क्वायर में है, तो यहाँ पे एक्स के पावर आपको घात जो है दो लगा देनी है। अब देखिए आगे बढ़िए, आगे आप देखेंगे तो y जो है वह सब में आ रहा है, यानी कि आपको इतना तो पता चल गया कि हमारे एच सी एफ में y आएगा। अब y जब सब में आ रहा है तो आपको देखना है कि y की सबसे छोटी घात हमें लिखनी होती है एच सी एफ में, मासा में। तो मासा में दोस्तों सबसे छोटी घात कहाँ पे है, यहाँ पे है वाई स्क्वायर, तो इसे हम लोग वाई के पावर दो लगा देंगे। तो हमारा एच सी एफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जो है दोस्तों, इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया हुआ है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग वेरिएबल का भी एलसीएम एस सी एफ सीख गए होंगे निकालना, बहुत ही आसान ट्रिक के मेथड से मैंने आपको बता दिया है। इसी प्रकार आप देखते ही तुरंत ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 30 है दोस्तों, भाज्य का सूत्र है। अब दोस्तों भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, यह चार चीजें हैं। यही चार चीजें अगर आपको पता हैं तो आप ऑप्शन में देख करके बता सकते हैं कि हाँ भाज्य का सूत्र क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्लियर कर देता हूं, उसके बाद आप अपने आप खुद ही बता दोगे कि भाज्य का सूत्र क्या होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, इस प्रकार हम लोग भाग देते हैं। अब भाग जब हम लोग देते हैं तो जिससे भाग देते हैं उसे बोला जाता है भाजक, और उसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, और इसे भाज्य बोला जाता है। और भाजक को दोस्तों हम लोग जितनी बार भाज्य में भाग देते हैं, जितनी बार उसका पहाड़ा पड़ते हैं, जितनी बार भाग गया रहता है भाजक के द्वारा भाज्य में, वही हमारा भागफल होता है। और भागफल को हम लोग यहाँ लिखते हैं, और जो बच जाता है उसे हम लोग कहते हैं शेषफल, और शेषफल यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो अब आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, इस विजुअल के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि भाजक कौन सा होता है, भाज्य कौन सा होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो जिसमें मूल हम लोग भाग देते हैं यही होता है भाज्य, और इसी भाज्य का सूत्र आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इस भाज्य को आप ध्यान से देखिए, अगर एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊं, 9 में मान लेते हैं हम लोग भाग दे रहे हैं 4 से, तो 9 में 4 से कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा, 8 और बचेगा 1। तो अब आप दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 9 का सूत्र अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। तो 9 को हम लोग दोस्तों अगर लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 4 × 2 = 1, यही तो आप लिख सकते हैं। 9 बराबर कितना होगा, 9 हमें कब प्राप्त होगा, 9 हमें प्राप्त होगा जब हम लोग 4 × 2 में कर देंगे और उसमें जो शेषफल आ रहा है 1 उसे जोड़ देंगे, तो हमें मिल जाएगा हमारा भाज्य। तो भाज्य बराबर दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर आप लिख सकते हैं भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो भाज्य का फॉर्मूला आपका हो जाएगा, भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब यही आपको देखना है किस
ऑप्शन में दिया है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन द में दिया हुआ है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 31 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या दोस्तों आप लिखना शुरू करते हैं तो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार लिखते जाते हैं, तो सबसे छोटी जो होती है वह 1 होती है, तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 1 की पूर्ववर्ती संख्या प्रश्न संख्या 32 में पूछ रहा है, तो 1 से पूर्ववर्ती मतलब 1 से पहले कौन सी संख्या आती है, तो 1 से पहले दोस्तों 0 आता है, तो ऑप्शन आ जो होगा दोस्तों यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किसी भी संख्या की अगर पूर्ववर्ती संख्या आपसे पूछा जाता है तो उसमें आपको 1 घटा लेना है, तो यहाँ पे 1 की पूर्ववर्ती संख्या आपसे पूछ रहा है तो 1 आपको घटा लेना है, तो कितना मिल जाएगा 0, तो यहाँ पे ऑप्शन आ ही करेक्ट होगा, ठीक है। और इसी प्रकार अगर आपसे 5 की पूर्ववर्ती संख्या पूछता है तो 5 में से 1 घटा लेते, 4 आपको मिल जाता 5 की पूर्ववर्ती संख्या। प्रश्न संख्या 33 101 से बड़ी क्रमागत संख्या है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 101 से बड़ी मतलब अगर दाएं तरफ हम लोग चलते हैं, बड़ी अगर बोलता है तो दाएं तरफ चलते हैं और छोटी पूछता है तो बाएं तरफ चलते हैं संख्या रेखा पे। तो अब आपसे पूछ रहा है 101 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो दाएं तरफ जाएंगे और एक बार जाएंगे, तो 101 से एक बार आगे चलेंगे तो 102 पे पहुंचेंगे, तो 101 से बड़ी क्रमागत संख्या जो हो जाएगा वह हो जाएगा 102, तो ऑप्शन आ जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 34 है दोस्तों, यहाँ पे ब्रैकेट में 15 ऋण 12 गुणे 3 बराबर, फिर ब्रैकेट खोल के लिख दिया है, देखिए 3 का गुणा 15 में हुआ है, फिर ऋण लग गया है, फिर 12 में 3 का गुणा हुआ है, ठीक है। किस नियम के आधार पे सत्य है? अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिया हुआ है ब्रैकेट में 15 ऋण 12 और गुणे 3, अब आप देख पा रहे होंगे कि दो संख्याएं आपस में घट रही हैं और एक संख्या का उसमें गुणा हो रहा है, और यह बराबर दिखाया हुआ है, जिस संख्या से हम लोग गुणा कर रहे हैं उसका बारी बारी दोनों संख्याओं में गुणा कर दिया गया है और घटा दिया गया है दोनों को, तो यह पूछ रहा है कि यह किस नियम के आधार पर सत्य है। ऐसा आप किस नियम के आधार पर लिख सकते हैं कि ये बराबर ये, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़िए ऑप्शंस, गुणा का साहचर्य नियम, गुणा का व्यवकलन बंटन नियम, व्यवकलन पर गुणा का बंटन नियम, या द उपर्युक्त किसी नियम पर नहीं। तो दोस्तों यह जो आधारित है वह व्यवकलन पर गुणा का जो बंटन नियम होता है उस पर आधारित है। अब व्यवकलन का मतलब होता है दोस्तों घटाना, सब्ट्रैक्शन, और गुणा का बंटन नियम क्या होता है दोस्तों, कहीं भी बंटन का मतलब आप समझिए बांटना। तो दोस्तों घटाने पे गुणा का जो बंटन नियम लगता है उसी के आधार पे यह सही है, तो ऑप्शन सा जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यवकलन पर गुणा का बंटन नियम मतलब घटाने पे गुणा का बंटन नियम जो लगता है उसी के आधार पे यह सही है। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 ऋण फिर ब्रैकेट में ऋण 8 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो अब देखिए ऋण फिर ब्रैकेट में ऋण 8 यही लिखा हुआ है, तो जब आप ब्रैकेट खोलेंगे दोस्तों तो ऋण का गुणा ऋण में हो जाएगा और यह हो जाएगा धन 8। अब यही आपसे पूछ रहा है कि धन 8 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम दोस्तों आपको पता है किसी भी संख्या का अगर आपको निकालना होता है तो उसके सामने बस आपको उसका चिन्ह जो होता है वह परिवर्तित कर देना होता है, मतलब कि आपको उसमें ऋण से गुणा कर देना होता है, तो 8 में ऋण का गुणा होगा तो ये हो जाएगा ऋण 8, तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋण और ब्रैकेट में ऋण 8 का योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वह ऋण 8 होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 36 है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि पाई जो होता है वह परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही है।
पाई को दोस्तों वैल्यू के रूप में कुछ कहीं पे आपने पढ़ा होगा 22/7 भी लिखा रहता है, लेकिन ये अप्रोक्स वैल्यू होती है, ये करेक्ट वैल्यू नहीं होती है। करेक्ट वैल्यू को दोस्तों आप लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं दिखा सकते हैं, इसीलिए पाई जो होती है वह अपरिमेय संख्या होती है, मतलब कि परिमेय संख्या नहीं होती है। तो इसलिए ऑप्शन बा जो होगा वह बिल्कुल सही होगा। जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है दोस्तों वह होती है 3.141592, इस प्रकार से यह वैल्यू चलती जाती है, और इस वैल्यू को दोस्तों आप पी बाई क्यू के रूप में एग्जैक्टली नहीं लिख सकते, इसीलिए इसकी अप्रोक्स वैल्यू 22/7 लिखी जाती है और यह अपरिमेय संख्या होती है। तो पाई आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अब इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से योगात्मक तत्समक है। तो योगात्मक तत्समक मतलब कि एडिटिव आइडेंटिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? योगात्मक तत्समक होता है वह संख्या जिसे हम लोग किसी संख्या में अगर जोड़ दें तो उस संख्या का मान परिवर्तित ना हो। तो किसी भी संख्या का मान परिवर्तित ना हो उसमें ऐसी संख्या जोड़नी है, तो ऐसी संख्या कौन सी हम जोड़ सकते हैं? शून्य। तो शून्य क्या होता है दोस्तों? इसीलिए शून्य को योगात्मक तत्समक मतलब कि एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है, क्योंकि हम लोग इसे किसी भी संख्या में अगर जोड़ देते हैं तो उस संख्या का मान परिवर्तित नहीं होता है। तो शून्य आप लोग दोस्तों याद रखिएगा योगात्मक तत्समक होता है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 39 नंबर, 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम है। तो दोस्तों योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि ऋण एक का गुणा आप लोग कर सकते हैं या ऋण का गुणा आप समझ सकते हैं। किसी भी संख्या का अगर योगात्मक प्रतिलोम आपको निकालना है तो ऋण एक का गुणा कर दीजिए। तो 7/3 में अगर ऋण एक का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 7/3। तो ऑप्शन बा जो होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 40 है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस एक बटे, फिर नीचे देखिए एक्स प्लस एक का होल स्क्वायर है का सरलतम रूप आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ही आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स प्लस वन। अभी मैंने दोस्तों आपको फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला जब लिखे हम लोग लगा देंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस वन आ जाएगा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। और नीचे तो है ही x प्लस वन का होल स्क्वायर, मतलब कि x प्लस वन का दो बार गुणा हो रहा है, तो इसे दो बार गुणे के रूप में आप लिख लीजिए दोस्तों। तो x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन नीचे हो जाएगा और ऊपर भी दोस्तों आपको x प्लस वन दिख रहा होगा, तो x प्लस वन ऊपर वाला और एक नीचे वाला आपस में कट जाएगा तो बच जाएगा x माइनस वन और बटे में x प्लस वन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिया गया है ऑप्शन आ यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 41 है, परिमेय संख्या ऋण 24/45 के सरलतम के समतुल्य संख्या है। डीएलएड 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों ऋण 24/45। अब आपको दोस्तों सरल जब करना होता है तो देखना होता है कि हम किसी संख्या से ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि तीन से आप काट सकते हैं, 8 + 24 होता है और 15 + 18 होता है। तो ये तीन से जब ऊपर नीचे आप काटेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 8/15, ठीक है। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 42 से समीकरण x/4 + 10 = ऋण 4 में x का मान होगा, तो इसे देख लीजिए मैं आपको हल करके दिखा दे रहा हूं। आपका लिखा हुआ समीकरण x/4 + 10 = ऋण 4। अब इसे सरल करने के लिए दोस्तों यहां पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x पूरे के बटे 4 हो जाएगा और x धन 10 के बटे 1 था, अब 4 हो गया है तो 4 का ऊपर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 40 = ऋण 4 हो जाएगा। और फिर इस 4 को आप
बराबर के उधर भेजेंगे तो इधर भाग में है, उधर जाएगा बराबर के तो गुणे में हो जाएगा। तो x धन 40 बराबर ऋण 4 में 4 का गुणा हो जाएगा, जो बटे में 4 था वो यहाँ गुणे में आ गया। ठीक, तो x धन 40 बराबर हो जाएगा ऋण 16 के, और फिर x बराबर आप लिखेंगे तो इस धन 40 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 16 और ये हो जाएगा ऋण 40। तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, ऋण 56। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, ऋण 56 यहाँ पे ऑप्शन आ में दिया गया है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -56। अब देखिए प्रश्न संख्या 43 से, दोस्तों एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। अब अगर वर्ग की भुजा a दी हुई है दोस्तों, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह a स्क्वायर होता है, आपको पता है। तो 1.6 का स्क्वायर आपको निकाल लेना है, यही क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 1.6 का गुणा 1.6 में करेंगे तो 16 का जो वर्ग होता है दोस्तों वह होता है 256। ठीक है, और दो अंक पे दशमलव लग जाएगा तो 2.56। अब यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 2.56 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बा में दिया है तो ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 में दोस्तों पूछ रहा है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी संख्या होती हैं, जो या तो खुद से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं। तो ऐसी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, दो होता है दोस्तों, तीन होता है, पांच होता है, सात होता है, ग्यारह होता है, इस प्रकार से अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो आपको शुरू से देखना है। तो सबसे छोटी तो हो गया दो, अब ये देखना है कि दो सम है कि विषम है। तो वे संख्याएं जो दो से कट जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। तो दो से कटता ही है, तो दो एक सम संख्या है और अभाज्य भी है, तो इसीलिए सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या जो हो जाएगा वह दो हो जाएगा। दो अभाज्य भी है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी है और सम भी है, इसीलिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या जो हो जाएगा वह दो हो जाएगा, ऑप्शन बा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, इसीलिए आप लोग और ध्यान से इसे पढ़िएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 45, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेमी है, इस त्रिभुज की ऊंचाई है। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको दोस्तों क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वह 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो क्षेत्रफल आपको दिया गया है 45 बराबर 1/2 गुणे आधार की लंबाई आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप 15 को इधर नीचे भेज दीजिए बराबर के, और ये जो बटे में 2 है इसे ऊपर भेज दीजिए बराबर के, उधर ऊपर चला जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो 45 × 2/15 बराबर ऊंचाई हो जाएगा, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो 15 से काटेंगे 45 को, 3 बार में कट जाएगा और ऊंचाई बराबर हो जाएगा 2 × 3 यानी कि ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे ऑप्शन द में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो आप इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आपको 6 सेंटीमीटर देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन द जो होगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉल्व करने पे दोस्तों 6 सेंटीमीटर आ रहा है, तो त्रिभुज का जो ऊंचाई हो जाएगा वह 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप लोग खुद भी कॉपी और पेन लेकर के बैठा करिए, सभी क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व करा करिए। मैथ प्रैक्टिस की चीज है, आपको प्रैक्टिस खूब करना पड़ेगा मैथ में, तभी आपको मैथ आएगा, नहीं तो छोटी छोटी गलती से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों। कई लोग दोस्तों प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इससे बैक लगने के भी चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको कॉपी पेन लेकर के प्रैक्टिस करना है, और जो मैंने क्लासेस कराई हैं उसमें मैंने हर एक चैप्टर को पढ़ाया है कॉन्सेप्ट, और उस पर आधारित क्वेश्चंस कराए हैं। तो आपको
वह सभी क्लासेस कर लेनी है। साथ के साथ आप क्लासेस कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइएगा, और अगली वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने पूरा अभ्यास सॉल्व कराया है, तो आपका पूरा जो है दोस्तों गणित मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप अगर कॉपी पेन लेकर के पढ़ने बैठेंगे तो बहुत अच्छे से आप सभी चीजों को समझ पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग जरूर मैथ की सभी क्लासेस को पढ़ लीजिएगा। राजन पमन तो मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा ही, प्रीवियस ईयर सब कुछ मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन आपको क्लासेस को भी पढ़ लेना है जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। और जहां भी दिक्कत आएगी आप मुझे बताइएगा, एक बार आप कमेंट करेंगे कि मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, मैं आपके लिए 24 घंटा तैयार हूँ दोस्तों, आपके लिए हमेशा मैं तत्पर हूँ। जहां भी आपको दिक्कत आएगी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप 25 में 25 स्कोर कर पाएंगे। मैथ में आप 25 में 25 ला सकते हैं दोस्तों, और किसी सब्जेक्ट में 25 में 25 आपको नहीं मिलने वाले। तो इसीलिए दोस्तों मैथ में प्रैक्टिस आप करिए, आप सभी क्लासेस को बार बार देखिए जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो जाए, एक एक सवाल आपका हल ना हो जाए। और मुझे कमेंट करके बताइए कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, मैं आपके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन पढ़ना आपको ही है। और दोस्तों मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ ऊपर गणित विषय के प्लेलिस्ट का, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, सभी क्लासेस आप पढ़ सकते हैं। अब इससे आगे के प्रश्न दोस्तों हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, यह वीडियो लंबी हो गई है, तो अब हम लोग अगली वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राजन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। जो प्लेलिस्ट में अगली वीडियो आपको मिलेगी वह पार्ट 3 मिलेगा मैथ का, बहुविकल्पी का, राजन सीरीज का, और इसके बाद पवन सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। अब दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आसानी से सभी लोग पढ़ पाए दोस्तों। मेरी मेहनत तभी सफल है दोस्तों जब मेरा पढ़ाया हुआ सभी प्रशिक्षुओं तक पहुंचे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक सभी ग्रुपों में अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर कहीं दिक्कत हो, यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइए। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी ऐसे ही होती रहे दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।